इस साल हमने कई सारे फोन्स 30,000 रुपए के अंदर टेस्ट करे, रिव्यू करे। पोको F5, आईकू नियो 7, सैमसंग गैलेक्सी F54, रियलमी 11 प्रो प्लस, बट गेस विच इज द बेस्ट फोन अंडर ₹30,000, द मोटो H40। तो इस हफ्ते मैंने यूज करा मोटो एज 40 एंड द फर्स्ट थिंग आई हैव टू से अबाउट दिस फोन इज कि ऑलमोस्ट परफेक्ट फोन है यार। मतलब कहीं से कहीं ऐसा कोई फीचर नहीं है जो आप 30,000 रुपए के एक फोन के अंदर एक्सपेक्ट करते हो और इस फोन के अंदर नहीं दिया गया हो। हाई रिफ्रेश रेट टिक, कर्व डिस्प्ले टिक, गुड कैमरा टिक, IP रेटिंग तक दे दी है यार। सो ओवरऑल दिस लुक्स लाइक अ वेरी सॉलिड फोन और जो प्राइस है वो है 30,000 रुपए, सिंगल वेरियंट के अंदर ये आता है। तो चलो एक एक करके हर एक एस्पेक्ट के बारे में बात करते हैं। इस प्राइस में यूजुअली क्या होता है, या तो प्लास्टिक बैक पैनल मिलता है या फिर प्लास्टिक फ्रेम, बट मोटोरोला ने एकदम डिफरेंट यहाँ पर गेम खेला है। फॉल लेदर वाला फिनिश दिया हुआ है पीछे और मेटल फ्रेम दिया हुआ है और इन हैंड फील तो जो है ना यार फोन का, मतलब इतना प्यारा है। सबसे पहले तो ये एकदम आइडियल साइज है, वेट भी आइडियल है, एकदम स्लिम फोन है, लाइट है, इजी टू यूज, स्पेशली जो ये ग्रीन वाला कलर है, मतलब ओहो हो अमेजिंग। IP68 रेटिंग भी दी हुई है इस फोन के अंदर, जो कि इस प्राइस पॉइंट के अंदर तो मतलब कोई भी और ऐसा फोन नहीं है मार्केट में जो कि आपको दे रहा है। तो यस, ओवरऑल मुझे यूजेबिलिटी पॉइंट ऑफ व्यू से काफी सही लगा, काफी सही इसका साइज लगा, बटन्स इजीली रीचेबल हैं और इवन दो जो फ्रंट में स्क्रीन है ना वो थोड़ी सी बड़ी है, बट फिर भी इतना ज्यादा जो है इसका साइज वेट पता नहीं चलता। फ्रंट में मोटोरोला ने यहाँ पर 8-bit पैनल दिया है, ये 6.55 इंच का POLED पैनल है जिसमें 144Hz रिफ्रेश रेट है और HDR 10 प्लस का सपोर्ट है, 1200 nits की यहाँ पर पीक ब्राइटनेस है। एंड एज आई सेड कि यार इवन दो ये 6.55 इंच, मतलब ऑलमोस्ट 6.6 इंच का डिस्प्ले है, समहाउ ये पता नहीं चलता है, मतलब ये थोड़ा छोटा ही लगता है हाथ के अंदर। और मुझे तो जब मैंने पहली बार निकाला मुझे लगा यार ये ऑलमोस्ट iPhone 13 वाले साइज का है, बट एक्चुअल में डिस्प्ले जो है उससे बड़ा है। भले ही यार ये 8-bit पैनल है बट इस प्राइस पर दिस इज वन ऑफ द बेस्ट डिस्प्लेस दैट यू कैन गेट। फाइबर डिस्प्ले टेस्ट के अंदर हमने देखा कि जो कलर रिप्रोडक्शन है उसके मामले में ये फोन दूसरे प्रीमियम फोन्स के साथ एट पार है। इनफैक्ट इस तोते की फोटो देख लो या इवन इन अदर फोटोज कलर्स जो हैं वो मोस्टली एक्यूरेट हैं। जब बात होती है डिटेल्स और टेक्सचर्स को रिटेन करने की तो फिर से मोटो एच 40 जो है काफ़ी अच्छा काम करता है। एज यू कैन सी यहाँ पर जूम करने के बाद में भी जो फोटो की शार्पनेस है वो बहुत अच्छी तरह से प्रिजर्व करी है। HDR परफॉर्मेंस भी रॉक सॉलिड है, हाइलाइट्स को काफी बैलेंस तरीके से प्रोड्यूस किया है और जो ब्लैक स्पॉट्स हैं वो भी क्लियरली विजिबल है। एंड अदरवाइज ऑल्सो कॉन्टेंट कंजम्पशन में भी मजा आया इस फोन के साथ, शार्प है, क्रिस्प वीडियो आउटपुट है, साथ में स्टीरियो स्पीकर्स दिए हुए हैं तो जो वीडियो कंजम्पशन या फिर म्यूजिक कंजम्पशन वाला एक्सपीरियंस है वो काफी अच्छा हो जाता है। सबसे पहले एक बार स्पीकर आउटपुट सुन लेते हैं। देखो ये ऑब्वियसली लाउडेस्ट स्पीकर्स तो नहीं है जो आपको एक फोन के ऊपर मिल रहे हैं, प्लस क्योंकि माइक्रोफोन के थ्रू हमने रिकॉर्ड करा है साउंड तो एक्चुअल साउंड से थोड़ा सा डिफरेंट होगा, बट इवन देन आई मस्ट टेल यू कि काफी लाउड स्पीकर्स यहाँ पर हो जाते हैं और जो साउंड प्रोफाइल है उसमें डेप्थ अच्छा है और ऑडियो डिस्टॉर्ट नहीं होता है। तो ओवरऑल म्यूजिक कंजम्पशन के लिए आई थिंक यू विल नॉट रिग्रेट, मजा आएगा इस पर म्यूजिक कंज्यूम करने में। अब एक बार देख लेते हैं कि जो डायलॉग्स हैं, पॉडकास्ट हैं, वो कैसे इस फोन के ऊपर साउंड करते हैं। कि अगर ये ही फाइनल संडे को होता तो शायद इतना आपको ऑनलाइन या स्ट्रीमिंग पे जो है ना व्यूअरशिप नहीं मिलता, क्योंकि अगेन वेल बैलेंस्ड ऑडियो आउटपुट है। सो यस, ओवरऑल बोथ वीडियो कंजम्पशन एंड म्यूजिक कंजम्पशन के लिए मुझे लग रहा है ये फोन एकदम परफेक्ट है, स्पेशली अगर आप कंट्रोल एनवायरनमेंट में घर वगैरह के अंदर बैठ के कंटेंट कंज्यूम करते हो। अब तक आपको लग रहा होगा कि भाई ये तो परफेक्ट फोन बता रहे हो आप, इसके अंदर तो कोई कमी नहीं है, डिजाइन बढ़िया, डिस्प्ले बढ़िया। अब दो कमियां एड्रेस कर लेता हूं। सबसे पहले भाई जो डिस्प्ले है उसमें HDR 10 का सपोर्ट दिया हुआ है, यूट्यूब पर ये चल रहा है, लेकिन जो सबसे पॉपुलर स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म है नेटफ्लिक्स वो यहाँ पर HDR सपोर्ट नहीं करता। तो आई थिंक मोटोरोला और नेटफ्लिक्स को दे नीड टू फिगर आउट अ वे कि भाई समहाउ नेटफ्लिक्स के ऊपर भी अगर HDR सपोर्ट आ जाए तो सुभान अल्लाह। दूसरा प्रॉब्लम यहाँ पर क्या है, और ये थोड़ा ज़्यादा बड़ा प्रॉब्लम है बिकॉज ये डे टू डे लाइफ में आपका एक्सपीरियंस खराब करता है, पाम डिटेक्शन, बिकॉज कर्व्ड पैनल है। कई बार ऐसा हुआ कि जब मैं फ़ोन पकड़ के यूज़ कर रहा था
तो एक फॉल्स टच ये ले लेता है, जिसकी वजह से जो मैं एक्चुअल टच इनपुट देना चाह रहा हूँ वो रजिस्टर नहीं होता। स्पेशली मैंने नोटिस किया फोटोज क्लिक करते हुए कि भाई कैमरा ऐप को मैं अगर यूज़ कर रहा था और जब मैं शटर टैप कर रहा था तो कई बार फोटोज क्लिक नहीं हो रही थी बिकॉज मेरा साइड से पाम जो है कहीं ना कहीं इस पर टच हो रहा था। दूसरा ये हो रहा था गेमिंग के टाइम पर, भाई COD में हुआ कई बार मैं शूट करने की कोशिश कर रहा हूँ, गोली चली नहीं, भैया मेरे को ही मार के चले गए सामने वाले। तो यस, ये डे टू डे लाइफ में थोड़ा सा अनोइंग कभी कभी हो जाता है। यूजुअली ब्रांड्स एक सॉफ्टवेयर फीचर के थ्रू इसे फिक्स कर देती हैं या एक ऑलरेडी प्री इंस्टॉल्ड सॉफ्टवेयर फीचर रहता है जिससे ये प्रॉब्लम नहीं आती। तो आई होप Motorola टेक्स दिस फीडबैक और इसमें वो सॉफ्टवेयर फिक्स जो है जल्दी आ जाए। नॉट टॉकिंग अबाउट द सॉफ्टवेयर, वो इस फोन का अदरवाइज सबसे स्ट्रॉन्ग पार्ट है, क्लीन स्टॉक एंड्रॉयड एक्सपीरियंस है। एंड्रॉयड 13 आउट ऑफ द बॉक्स मिल रहा है, बहुत कम प्री इंस्टॉल्ड ऐप्स हैं, सिर्फ गूगल की ऐप्स हैं और कुछ मोटोरोला की ऐप्स हैं जो कि मुझे एक्चुअली यूजफुल लगी। अक्सर क्या होता है जो ब्रांड्स की प्री इंस्टॉल्ड ऐप्स आती हैं वो बहुत यूजलेस होती है, बट यहाँ पर 2-3 ऐप्स हैं जो काम की हैं। सबसे पहले एक ये रेडी फोर करके ऐप है जो कि आपके फोन को वायरलेसली मिरर कर देती है स्मार्ट टीवी पर या फिर एक विंडोज मशीन के ऊपर, सो यूजफुल। देन देयर इज अ फैमिली स्पेस ऐप जिसके थ्रू आप अलग अलग यूजर्स के सेपरेट प्रोफाइल्स बना सकते हो। तो मान लो यार आपके घर में कोई छोटा बच्चा है जो आपका फोन यूज करता है तो आप उनके लिए एक अलग से प्रोफाइल भी क्रिएट कर सकते हो। सो अपार्ट फ्रॉम दैट वेरी फ्यू एप्स एंड ओवरऑल अ वेरी गुड क्लीन सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस। और एक और बढ़िया बात मेरे को ये लगी कि जो ज्यादातर एप्स हैं फोन में वो 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट के लिए ऑप्टिमाइज्ड है। कई बार मैंने देखा है कि YouTube, Netflix जैसी जो एप्स होती हैं ये फोन में 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट सपोर्ट नहीं करती, बट यहाँ पर मैंने देखा कंसिस्टेंटली जो ज्यादातर एप्स हैं वो 120 हर्ट्ज पर रन कर रही थी। ये बहुत माइनर डिटेल है बट अगेन डेली एक्सपीरियंस के अंदर दिस डज मेक अ डिफरेंस। सो यस, पॉलिश्ड वेल रिफाइंड सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस मिल रहा है, प्लस मोटोरोला यहाँ पर 2 साल के जो सॉफ्टवेयर अपडेट्स है वो भी प्रॉमिस कर रहा है। बट हिस्टोरिकली मैंने देखा है मोटोरोला के साथ थोड़ा सा ना टाइमली सॉफ्टवेयर पुशेस का प्रॉब्लम रहता है, तो 2 एंड्रॉयड अपडेट भले ही दे रहे हो आई वुड वॉन्ट टू सी कि वो टाइमली डिलीवर हो जाए। तो विल कीप एन आई ऑन दैट। अगर आप लोग को भी लगे जब भी आपके पास अपडेट आए कॉमेंट करके, बाद में भी जब वीडियो थोड़ा पुराना हो जाए तब भी बताना। तो इस फोन के अंदर मोटोरोला ने यूज करा है डायमेंसिटी 8020 चिप, एकदम मिड रेंज चिप है ये एंड मिड रेंज फोन्स के हिसाब से काफी केपेबल भी है। इसका जो नियरेस्ट कॉम्पिटिटर है आर्किटेक्चर वाइज वो है स्नैपड्रैगन 778G जो कि पोको X5 Pro में यूज हुआ था, और बेंचमार्क्स वाइज भी आप देख सकते हो कि काफी क्लोज आता है ये पोको X5 Pro के। एंटूटू स्कोर्स में इसने स्नैपड्रैगन 778G से बेटर ही स्कोर अचीव करे हैं। तो जो यूजुअल टास्क हैं हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के कितना क्लीन है वो बढ़िया चलते हैं, उनमें कोई मुझे प्रॉब्लम्स नहीं हुई। ऐप्स जो हैं वो एकदम क्विकली ओपन हो जाती हैं, रैम मैनेजमेंट सॉलिड है और ऐप स्विचिंग जो है वो भी फास्ट है, कहीं भी मेरे कोई स्टटर या फ्रेम ड्रॉप नहीं मिला। थर्मल्स भी ये फ़ोन काफ़ी अच्छी तरीके से हैंडल करता है, मैंने एस्फाल 9 खेला, COD खेला 60 FPS हाई ग्राफिक्स के ऊपर और तब भी जो है फ़ोन गर्म नहीं हुआ। तो अगेन परफॉर्मेंस वाइज आई वुड से कि यार इस सेगमेंट के अंदर ये वन ऑफ द बेटर फोन्स है बिकॉज कंसिस्टेंटली एक अच्छी परफॉर्मेंस मुझे यहाँ पर मिली। कैमरा सेटअप बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड सिंपल सा है, 50 मेगापिक्सल का मेन कैमरा दिया हुआ है, उसमें OIS है, एक 13 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड सेंसर है, इसके अलावा और कुछ नहीं है। अल्ट्रा वाइड जो सेंसर है वो ही मैक्रो सेंसर की का काम भी करता है और फ्रंट में यहाँ पर जो है 32 मेगापिक्सल का सेल्फी शूटर दिया हुआ है। इन जनरल मोटो एच 40 ने वेल बैलेंस्ड फोटोज ली हैं, डिटेल्स भी अच्छी हैं, कलर रिप्रोडक्शन भी सही है। ये जो डिलाइट थिएटर का फोटो है इसमें स्काई जो है बिल्कुल भी विजिबल नहीं था क्योंकि इतनी हार्श सनलाइट थी, बट पोस्ट प्रोसेसिंग में एच 40 ने बिल्डिंग का और जो स्काई है उसका जो कलर है वो एकदम नेचुरल मेंटेन करा है। HDR परफॉर्मेंस फोन की ओवरऑल काफ़ी सही है, ज़्यादातर केसेस में आप देखोगे कि यार ये बैकग्राउंड को सही से एक्सपोज करता है, स्किन टोन्स जो हैं वो भी एक्यूरेटली कैप्चर हुई है एंड जो कलर्स हैं दे मोस्टली स्टे ट्रू टू नेचर। इसके बाद बात करते हैं अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा की, इसका फील्ड ऑफ व्यू सही है, इसके जो डिटेल्स हैं जो उसने रिटेन करी हैं वो एक बार फिर से काफ़ी इंप्रेसिव है, पर ये जरूर है कि जब आप मेन कैमरा और वाइड एंगल कैमरा की फोटोज को साइड बाय साइड कंपेयर करते हो तो वाइड एंगल कलर्स को थोड़ा सा म्यूट करता है। नाउ कमिंग टू पोर्ट्रेट शॉट्स, एज डिटेक्शन प्रिसाइज है, पोस्ट प्रोसेसिंग जो है वो पोर्ट्रेट शॉट्स की काफ़ी सॉलिड है और जो फोटोज आई हैं यार वो इन जनरल काफ़ी सही निकल कर आई हैं। डिम लाइट के अंदर भी भाई फोन की जो परफॉर्मेंस है वो सॉलिड है, जो टेक्स्ट है उसके अराउंड जो लाइट है उसे बहुत अच्छी तरह से फोन ने कंट्रोल करा है पोस्ट प्रोसेसिंग में, और जो स्किन टोन्स हैं कम लाइट के टाइम पर भी वो भी राइटली एक्सपोज हुई हैं। तो ओवरऑल जो ये फोन का कैमरा परफॉर्मेंस है उससे मैं इंप्रेस्ड हूं एंड द फैक्ट दैट कि मेरे पास कुछ है नहीं खास कंप्लेन करने के लिए ऑल्सो टॉक्स अ लॉट अबाउट द कैमरा परफॉर्मेंस हियर। तो स्टिल फोटोग्राफी के लिए दिस इज प्रीटी गुड,
अब वीडियोस पे नजर डाल लेते हैं। भाई ये वाला जो वीडियो है ये मैं रेयर कैमरा से 4K 60 FPS पर रिकॉर्ड कर रहा हूँ, सो यू विल ऑब्वियसली गेट एन आइडिया अबाउट द वीडियो क्वालिटी। साथ साथ जो माइक्रोफोन है उसका भी आपको आइडिया लग जाएगा कि आवाज़ जो है ये फ़ोन कैसे कैप्चर कर रहा है। की बात यह है कि ये वाला जो फोन है ये फ्रंट से भी 4K वीडियो रिकॉर्डिंग सपोर्ट करता है। मतलब 2023 में भाई इतने सारे फ्लैगशिप फोन आए हैं जिनमें भी ये फीचर नहीं है, तो दिस वॉज रियली गुड टू सी। चलो अब चल के बैटरी बैकअप की बात करते हैं। ऑन पेपर इस फोन के अंदर 4400 mAh की बैटरी है, जो कि पहली बार देख के लग सकता है कि थोड़ा सा यार कम है या फिर कंपटीशन के कंपैरिजन में कम है, बट जो बैटरी बैकअप है वो सॉलिड है। आधे घंटे गेमिंग के टाइम पे मैंने देखा कि करीब 8% बैटरी जो है कंज्यूम हुई थी, और आधे घंटे नेटफ्लिक्स पर हम वीडियो स्ट्रीम कर रहे थे 50% ब्राइटनेस, तब भी करीब 5% के आसपास ही बैटरी गई थी। तो आराम से जो मेरा यूज़ केस था, जैसे मैंने भाई फोटोज क्लिक करे, गेम्स खेले, थोड़े बहुत ईमेल्स वगैरह भी एक्सचेंज करे, उसमें ये फ़ोन आराम से एक दिन चल गया था, और आई थिंक आपका भी बढ़िया आराम चलेगा। प्लस 68 वॉट का चार्जर है बॉक्स के अंदर, तो वहाँ पर जो है 40 मिनट्स लगते हैं 0 to 100% चार्ज होने में, विच इज़ गुड। मोटोरोला ने एक बड़ा ही अजीब सा क्लेम किया था कि भाई 10 मिनट के चार्ज पर आप फुल डे चला लोगे, वो मतलब बड़ा बेतुका लगा मुझे, वो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि 10 मिनट में मैंने देखा है 25% ही चार्ज हुआ है, और 25% चार्जिंग के ऊपर तो पूरा दिन नहीं निकाल सकते ना, अनलेस आप बस फोन बंद करके ऐसे रख दो साइड में। तो भाई बात बिल्कुल सिंपल सी है, 30,000 रुपये का जो प्राइस पॉइंट होता है वो बड़ा ट्रिकी सा होता है, उसमें एकदम एंट्री लेवल फोन भी नहीं आते, लेकिन आपको एकदम टॉप ऑफ द लाइन स्पेसिफिकेशंस भी नहीं मिलते। तो अक्सर क्या होता है, कुछ ना कुछ कमी रह जाती है, जैसे पोको F5 कैमरा परफॉर्मेंस बड़ी एवरेज है, पिक्सल 6 से जनरल परफॉर्मेंस गेमिंग वहां पर लैक करता है, या फिर रियलमी 11 प्रो प्लस मतलब बर्बाद सॉफ्टवेयर है उस फोन का। सो कीपिंग ऑल ऑफ दोज थिंग्स इन माइंड और इस फोन का प्राइस ध्यान में रखते हुए, भाई दिस इज closest to the perfect phone that you can get at this price. Again, कमियाँ हैं obviously, मैंने बताया भाई palm detection में problem होती है, उसके अलावा Netflix में HDR का support नहीं है, but even then, जो ज़्यादातर आपकी expectations हैं as a user, या at least जो मेरी expectations हैं, उसको ये वाला phone tick करता है, and that is why fiber की जो rating है इस phone के लिए वो भी है बहुत solid, 8.5 out of 10। अगर कोई चीज रिव्यू में मिस हो गई हो जो आप चाहते हो कि एड्रेस करो तो वो बताना, बाकी इसका जो एक डिटेल बैटरी ड्रेन टेस्ट है पिक्सल 6A के साथ 7A के साथ वो आ रहा है इंग्लिश चैनल के ऊपर, तो स्टे ट्यून्ड फॉर दैट। अगर वो सब्सक्राइब नहीं करा इंग्लिश चैनल भी सब्सक्राइब कर लो, एंड कीप गिविंग अस द लव द वे यू डू।